गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 6:30 और अपना योगा सेशन शुरू करने जा रहे हैं होटल के टेरेस पे। ये आज महाशिवरात्रि का दिन है, महेश्वर घाट पे बहुत भीड़ होगी और लोगों का आना जाना लगा रहेगा, डिस्टरबेंस काफी रहेगी, इसलिए आज होटल का टेरेस चूज किया है। आज का प्रोग्राम होगा, आज हम लोग यहाँ से मांडू विजिट करते हुए और फिर कोशिश रहेगी कि अगर टाइम से मांडू फिनिश हो गया तो उज्जैन की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए योगा शुरू करते हैं। नहा धो के तैयार और जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। आज शिवरात्रि है तो एक बार दर्शन करते हैं। यहीं पास में राजराजेश्वर मंदिर है भोलेनाथ का, वो विजिट करते हैं। दर्शन कर लिए, अब यहां से निकलते हैं मांडू के लिए। 40 किलोमीटर जो यहां से है, 2 घंटा लगना चाहिए यहां से। मांडू मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। धार जिले से मिले शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में मांडू एक समृद्ध शहर हुआ करता था। रूपमती महल का 25 रुपये का टिकट ले लिया है, इंडियंस के लिए 25 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये। अब चलते हैं रानी रूपमती महल, जो कि वो वहाँ ऊपर है। तो ये पूरा रास्ता ऐसे 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 और अभी बज रहे हैं 12:30। कितना सन 1531 में बाज बहादुर मालवा सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। बाज बहादुर एक कवि और संगीत प्रेमी था। एक दिन शिकार खेलते हुए बाज बहादुर जंगलों में रानी रूपमती से मिला और रानी की काया और सुरीली आवाज का दीवाना हो गया। बाज बहादुर ने रानी रूपमती से आग्रह किया कि वह उनके साथ मांडू चले। रानी की एक शर्त थी कि वह बिना नर्मदा नदी दर्शन के अन्न जल ग्रहण नहीं करती। बाज बहादुर को यह शर्त मंजूर हुई और उन्होंने पहले से निर्मित 9वीं शताब्दी इमारत पर 2 मंडप बनवाए, जहां से रानी रोज सवेरे माँ नर्मदा के दर्शन किया करती थीं। अभी रूपमती महल से निकलकर नीचे जो कि बाज बहादुर महल है और ये रूपमती इनकी प्रेमिका थी, इसी में ही नीचे अंडरग्राउंड कमरे हैं जहाँ पे वो रहा करते थे और ऊपर इनके संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे। धूप बहुत तेज है भाई साहब, 12:30-1 बज रहा है और विंध्या रेंजर्स की पहाड़ियों पर चट्टानों पे घूमते हुए और ये कॉरिडोर इनका। इस कमरे में बैठकर रूपमती का दर्शन करती थी और एक दूसरे रूम में वहाँ पर बाज बहादुर बैठ के गाते थे और पूरा बाकी कॉरिडोर जितना भी है ये सब ऑडियंस से भरा रहता था। सन 1300 से लेकर 1562 तक मांडू हिंदुस्तान में आती जाती बहुत सी रियासतों और राज्यों का हिस्सा रहा है और इन रियासतों और राज्यों ने मांडू में बहुत सा निर्माण कराया जिसके अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। से 1732 तक मुगल शासकों का राज्य रहा। तो आ गए हैं अभी जहाज महल के अंदर, अभी भी एंट्री करी है। 25 रुपये का टिकट है जहाज महल का भी। तो ये बीच में महल बनाया गया है, इस तरफ भी एक लेक है वहाँ पे और इसके दूसरी साइड भी लेक है।
और जब पूरा पानी भर जाता है तो ये बीच में ये पूरा जहाज सा जहाज महल। सत्रह सौ 1732 से मांडू पेशवा बाजी राव और उसके बाद अंग्रेजों के अधीन रहा। ऊपर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हवा लग रही है तो काफ़ी राहत मिल रही है। अगर यही मानसून का टाइम होता कंडीशन कुछ और होती और घूमने में और मज़ा आता। ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ द वेदर कंडीशन। तो अगर हम इसकी दीवारों को देखें तो इसकी दीवारें जो हैं वो एक झूले की तरह है, हिंडोला, और उसी की तर्ज पे इसका नाम पड़ा हिंडोला महल। सन 1470 में गियासुद्दीन मांडू आया और उसने यहाँ 31 साल राज किया। गियासुद्दीन ने मांडू में जहाज महल का निर्माण कराया जिसमें वह हजारों औरतों को एक साथ रखता था। खूफी और बहुत ही डरावना है, सर को बचा बचा के चलना है वरना सर टकरा जाएगा ऊपर। और अब आगे भैया बाहर चमगादड़ों की बहुत बदबू थी। जहाज महल के साथ साथ यहाँ हिंडोला महल और शाही महल भी स्थित है जिनका उपयोग गीत संगीत नृत्य और मनोरंजन के लिए किया जाता रहा है। ये था शाही महल, शाही हरम। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत पानी पीना पड़ेगा। डिहाइड्रेट हो चुका हूँ, पूरी शर्ट भीगी हुई है। तो जहाज महल का टूर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे उज्जैन के लिए और शाम तक होपफुली उज्जैन पहुँच जाना चाहिए। मांडू में सब लोग जानते हैं कि जहाज महल है, रूपमती रानी का महल है, बाकी सब कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मांडू के अंदर एक फॉसिल म्यूजियम भी है। तो यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स पाए गए थे। तो डायनासोर के जो फॉसिल्स पाए गए वो यहाँ पे मांडू में स्थित है। आइए उनको देखते हैं। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, पीछे कुछ कैंप्स हैं। तो कैंप स्टे अगर आप करना चाहते हैं मांडू के अंदर तो आप इस फॉसिल म्यूजियम में रुक सकते हैं और यहाँ पे आप कैंप स्टे का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ फॉसिल्स पाए गए डायनासोर के जो उन्होंने यहाँ पे संजो के रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत घाटी का व्यू है और एक सुंदर सा पार्क।
मांडू से निकल के अब उज्जैन पहुंच रहे हैं। उज्जैन अभी 20 किलोमीटर है। मज़ा आया चला कर, थोड़ा थकान हो गई है लेकिन क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था, शिवरात्रि थी तो इस वजह से। बाकी अभी एनर्जी के लिए थोड़ी चाय पी जा रही है। दिन में मौसम काफ़ी गर्म रहता है पर शाम जैसी होती है तब हवा जो है अच्छी हो जाती है, फिर चलाने में मज़ा आता है, थोड़ा सा रिलीफ रहती है।